बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम सरप्लस से। प्रोड्यूसर सरप्लस बेसिकली ये डिफरेंस है कास्ट का और वो प्राइस का जो मार्केट में राइज होती है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस, जिस तरह से हमने कहा था कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल जो प्राइस है उसका डिफरेंस है, इसी तरह से जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो प्राइस, जो मार्केट प्राइस है और जो सेलर की कास्ट है, उन दोनों का डिफरेंस है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द अमाउंट अ सेलर इज पेड फॉर अ गुड माइनस द सेलर्स कास्ट। इट मे हैज द बेनिफिट टू सेलर्स पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस था वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बेनिफिट की बात कर रहा था, लेकिन जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम प्रोड्यूसर का जो बेनिफिट है या उसका जो रिटर्न या उसका प्रॉफिट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट जो सेलर्स हैं उनकी जो कास्ट है वो गिवन है। जैसे ये मैरी है, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं $900 में, फरीदा $800 में, गॉर्जिया $600 में और ग्रैंडमा $500 में। तो ये कास्ट जो है वो गिवन है, हर एक प्रोड्यूसर की डिफरेंट कास्ट है। अब हमने इसको कंपेयर करना है मार्केट प्राइस के साथ कि मार्केट प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इनका सरप्लस होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें कि सप्लाई कर्व जो है वो किस तरीके से जो है वो रिलेटेड होता है, तो सेम उसी तरह से जिस तरह से जो डिमांड कर्व है वो कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन करते हैं या वो कंज्यूमर से रिलेट कर रहा होता है, सेम इसी तरह से जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो बेसिकली सप्लाई कर्व जो होता है उससे लिंक्ड होता है। तो ये नेक्स्ट स्केड्यूल है जिसमें ये प्राइस गिवन है, सेलर्स गिवन है और उनकी क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है। तो अगर प्राइस मार्केट में 900 या उससे ज्यादा है तो जो चार सेलर्स थे वो चारों के चारों जो है वो मार्केट में सप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है कि जब प्राइस इंक्रीज करती है तो सेलर्स जो है वो सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, और इसी तरह से जब प्राइस कम होती है तो सेलर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो सप्लाई को कम करें मार्केट में। तो सेम इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है, ये देखें $800 से $900 हुई है प्राइस, तो जो पहले वाला सेलर था जिसकी कास्ट $900 थी, अब वो सप्लाई नहीं कर रहा, तो मार्केट सप्लाई जो है वो कम होके 4 से 3 यूनिट हो गई है। उसके बाद जिसकी, अगर मार्केट प्राइस 600 से 800 है, तो जिसकी जो कास्ट 800 थी वो भी वहां से जो है वो अब सप्लाई नहीं करेगा। तो सेम इसी तरह से अगर प्राइस मार्केट में $500 से कम होती है तो मार्केट में कोई भी सेलर जो है वो सप्लाई नहीं करेगा, तो मार्केट की जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो जीरो रहेगी। उसके बाद अगर हम इन चारों सेलर्स की सप्लाई को एक ग्राफ पे शो करें, तो ये देखें वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने जो है वो क्वांटिटी को लिया हुआ है। तो मार्केट की जो प्राइस है वो 500 पे हमने देखा था कि जो ग्रैंडमा एक सेलर था जिसकी कास्ट $500 थी। उसके बाद अगर हम ये सबसे ऊपर देखें मैरीज कास्ट, वो $900 है। तो ये हर एक के अकॉर्डिंगली हमने इनकी कास्ट को देखते हुए और जितने यूनिट्स मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं, अब ये देखें जब हम पहले पर्सन की बात कर रहे थे ग्रैंडमा की, तो उसकी जो कास्ट थी वो $1 1 यूनिट थी, जहाँ पे उसकी जो प्राइस है वो $500 थी। तो $500 पे 1 यूनिट मार्केट की क्वांटिटी थी और $600 पे मार्केट की क्वांटिटी 2 है और $800 पे मार्केट की क्वांटिटी 3 है। और सेम इसी तरह से जो है वो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। तो उसके बाद अगर हम इसको सिंपल सप्लाई कर्व से शो करें, तो जिस तरह हमने डिमांड में कहा था कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो उल्ट है, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि जब हम सप्लाई कर्व बनाते हैं तो वो पॉजिटिवली स्लोप बनते हैं। तो इस केस में एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो भी एरिया आएगा वो सारे का सारा सरप्लस को शो करेगा। तो अगर हम ये जो अभी हमने इंडिविजुअल जो पर्सन थे, जो सेलर्स थे, इनको हम अगर इस ग्राफ पे अलग अलग देखें कि इनका प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरह से होगा, तो फर्ज करें मार्केट की प्राइस जो है वो $600 है। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही सेलर था जिसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 600 से कम थी, $500 थी। तो उसका जो सरप्लस है वो कितना आएगा, ये देखें $500 उसकी कास्ट है,
$600 मार्केट की प्राइस है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 100 का है, और उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 1, तो 1 क्वांटिटी अगर वो दे रहे हैं तो उसका टोटल सरप्लस इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100, तो 100 जो है $100 उसका प्रोड्यूसर सरप्लस है। उसके बाद अगर हम इसको नेक्स्ट देखें कि अगर मार्केट की प्राइस 800 हो जाती है, तो इस पर्सन का जो पहले वाला था ग्रैंडमा, इसका जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो क्या हो जाएगा, वो 500 से जो उसकी कास्ट थी उससे प्राइस 800 है, तो डिफरेंस 300 का है। तो अगर मैं 300 को मल्टीप्लाई करूँ, वो एक यूनिट मार्केट में सप्लाई कर रहा था, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जो टोटल सरप्लस था वो कितना है, $300। और इसी तरह से जो पर्सन दूसरा था जिसकी जो कास्ट है वो 600 थी, उसका सरप्लस हो जाएगा 200। और टोटल मार्केट का जो यहाँ तक दोनों कंज्यूम प्रोड्यूसर्स का जो सरप्लस है वो है 500। इसी तरह से अगर हम ये सप्लाई कर्व को देखें कि सप्लाई कर्व जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, जो कि ये शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस को देखें तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पे जो भी एरिया, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये सारे का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो इसको मैया करने का ये दूसरा तरीका था। अब फर्ज करें कि मार्केट की प्राइस P1 से P2 पे चले जाती है, तो जब प्राइस P1 से P2 पे जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इनिशियल जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो तो ये था, अब ये भी ऐड हो गया सारा। अब ये वाला तो इनिशियल के साथ ऐड होगा क्योंकि ये क्वांटिटी 1 के साथ लिंक्ड है, लेकिन जब हम 2 पे गए हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। जब क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल जो प्रोड्यूसर सरप्लस है न्यू वाला वो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल ये वाला हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। उसके बाद यहाँ तक हमने जो दो तीन बातें की हैं, एक ये था कि प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है और इसको मेजर कैसे किया जाता है, और उसके बाद इसको ग्राफ के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स द अमाउंट सेलर्स रिसीव फॉर देयर गुड्स माइनस देयर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर सरप्लस मेजर्स द बेनिफिट सेलर्स गेट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट। प्रोड्यूसर सरप्लस कैन बी कंप्यूटेड बाय फाइंडिंग द एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व।